बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज इस छोटे से ट्यूटोरियल के अंदर हम बिल्ड करने जाएंगे एक काउंटर ऐप। व्हाट डू वी मीन बाय काउंटर ऐप? कुछ इस तरीके की हम एक सिंपल सी काउंटर ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम बेसिकली बटन पे क्लिक करते जाएंगे और नंबर काउंट होता जाएगा एंड देन वी विल ऐड अ रीसेट बटन। तो ये जीरो से हमारे पास जीरो जीरो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी काउंटर ऐप है जो आज हम बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी कि हम ऑटो जनरेशन ऑफ कोड का इस्तेमाल करेंगे। एक कमांड है जिसके अंदर बेसिक कोड ऑफ फ्लटर खुद ही आ जाता है। ये फ्लटर की एक बड़ी ज़बरदस्त फीचर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली खुद ही लिखता जाता है। हमें सिर्फ उसको एक आधा लफ्ज लिखना होता है कि यार ये मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो वो खुद ही सारा कोड करते आता है। आई विल शो यू कि फर्स्ट कमांड हमारे पास उसकी क्या है। उसके बाद हम रो और कॉलम स्ट्रक्चर को फ्लटर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जो एक स्कैफोल्ड हमने बनाया हुआ है उसके अंदर ऐप बार बनाई है। ऐप बार के अंदर बेसिकली हम बनाएंगे रो फॉर्म और कॉलम फॉर्म। तो रो बेसिकली होती है कि आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो रो फॉलम में और कॉलम फॉर्म में डिवाइड होते हैं। तो ये एक रो में जीरो आ गया, दूसरी रो में ये दो बटन्स आ गए, तीसरी रो में ये वाले कंपोनेंट आ गए। तो जो रोज होगी वो बेसिकली इस तरह से वर्टिकली डिवाइड होती हैं और फिर कॉलम हॉरिजेंटली डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉलम आ गया, उसमें बटन आ गया, ये दूसरा कॉलम आ गया, उसमें दूसरा बटन आ गया। तो एक रो के अंदर हमने दो कॉलम समझो डिवाइड करके बटन डाल दिए। तो रो और कॉलम को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज के अंदर। उसके बाद वी विल ऑब्वियसली क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया जिसको जब हम क्लिक करूंगा तो कंटेंट चेंज होगा। तो स्टेटलेस हमारे पास एक इवेंट बनेगा कि हम स्टेटलेस स्टेटफुल, ठीक है, कुछ स्टेट हम चेंज करेंगे बेसिकली। वो फिर हम बताएंगे कि यार आपको कि ये किस तरीके से हम स्टेट उस बटन ऐप के हम चेंज कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर हमारे पास बटन्स बनने जाएंगे। तो ये बटन्स आ गए कि हम एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो नंबर चेंज हो रहा है, जब रीसेट कर रहा हूँ तो नंबर जीरो पे जा रहा है। तो ये हमारे पास स्टेट्स कैसे चेंज हो रही हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस लेक्चर एज वेल, ठीक है। और फिर ये वर्टिकल स्पेसिंग को हम कैसे मैनेज करते हुए इस चीज़ को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम साइज बॉक्सिंग का एक थोड़ा सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और हम करेंगे। और फाइनली टाइम रहा तो इंशाल्लाह फिर इसमें हम एपीके, इस पूरे प्रोजेक्ट की एपीके बना के आप कैसे इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो पांच छह चीज़ें मेन टॉपिक्स पे कवर करेंगे। तो आखिर में जो स्पेशल चीज़ है कि इसके एपीके बना के अपने मोबाइल में आप कैसे इंस्टॉल करने जाओगे, ठीक है। तो लेट्स, दैट्स वन मेजर थिंग दैट वी विल ट्राई टू डू अलॉन्ग विद एक खास सीक्रेट चीज़ कि आप किस तरीके से इसकी विंडोज़ ऐप बना के विंडोज़ में इंस्टॉल करें। चलें ये दोनों चीज़ें सीख लेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चले जी, तो आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ फोल्डर पे आने के बाद व्हाट आई विल डू इज़ के आई विल जस्ट सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस और मैं ओपन इन टर्मिनल कर दूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने ओपन इन टर्मिनल कर दिया। इसी फोल्डर के अंदर मैं क्यों आया, क्योंकि बेसिकली फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स गिटहब फ्लटर क्रैश कोर्स है और यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए आसान होता है, ये मेरा तरीका है। आप डायरेक्ट VS Code के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं लेकिन आपको पाथ फिर बताना पड़ेगा। मैं उसको कह रहा हूँ कि भैया यहीं पर आता, जब मैं यहीं पर आकर राइट क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कि भाई फोल्डर डॉक्यूमेंट्स गिटहब फ्लटर क्रैश कोर्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने लिख दिया फ्लटर स्पेस और मैं इसका नाम दे दूंगा काउंटर ऐप और फिर ये हमारे पास जो है सॉरी स्मॉल लेटर्स में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अंडरस्कोर CHP ये 5 बनेगा शायद आई बिलीव, ठीक है। पांचवा लेक्चर है तो इसको CHP 5 के नाम से हम सेव करा देंगे, ठीक है। और डन हो गया, ओके। तो बस इतनी सी कमांड लिखनी थी, प्रेस एंटर करेंगे तो यहाँ पे जाके और एरर दे देगा कि कुड नॉट फाइंड अ कमांड नेम्ड, ओके ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया। FLUDDF flutter create counter counter app underscore CHP5, counter app create command हमने पहले वाले लिखना भूल गए थे भैयान, कमांड पूरी लिखो, फ्लटर क्रिएट कर देंगे तो अभी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो दिस वुड बेसिकली मीन कि नाउ इट विल गो और आपका सारा प्रोजेक्ट बना देगा। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी किया था। तो अब आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, मैंने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया। यू वुड फाइंड के क्लटर काउंटर ऐप आपकी बन चुकी है। अगेन ये भी मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, मेरा जिशान डॉक्टर जिशान वर्डी करके आप गिटहब सर्च करेंगे वहाँ पे सारा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसकी लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो यू कैन चेक इट आउट। अब आ जाते हैं वापस हमारे जो बेसिकली फ्लटर है उसके अंदर, ओपन फोल्डर करा देते हैं भैया। और मैं वापस आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पर मेरे पास गिट का फोल्डर है, यहाँ पर मेरे पास फ्लटर क्रैश कोर्स रिपोजिटरी है, उसके अंदर मैंने काउंटर ऐप CHP5 करा दिया। फोल्डर को सेलेक्ट करके हम ओपन करा देते हैं। जब तक ये ओपन हो, अगेन मैं वीडियो ऑफ की हुई है फॉर सम रीज़न, बस अभी दिल कर रहा है कि यार वीडियो ऑफ करके बनाए क्योंकि उसमें एक्चुअली वीडियो के झंझट में लाइटिंग वगैरह और एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बंदा रिकॉर्डिंग करता है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये विदाउट कैमरा सही लग रहा है, बात समझ में आ रही है, या कैमरा ऑन करके मैं बात करूँ, ठीक है। ये कैमरा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि मैं आगे की वीडियो उस हिसाब से बनाऊँ। फिलहाल मेरा मूड है कि मैं कैमरा ऑफ करके बनाता रहूँगा, ठीक है। तो कमेंट्स में बताओ कि सर हमें बगैर कैमरा के मज़ा नहीं आ रहा है, कैमरा ऑन करें या ठीक है बात आपकी ओके डुकी, कोई मसला नहीं है, कैमरा ऑन हो नहीं हो सानू कोई परवाह नहीं। चले जनाब आ जाते हैं हमारे इस कोड के अंदर। अब नाउ व्हेन वी क्रिएट अ डिफॉल्ट प्रोजेक्ट,
तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी राम कहानी हजरत अंग्रेज ने पहले से लिखी हुई होती है, ठीक। ये सारी चीज़ें हमारे पास उसने कोड दिया हुआ है, कमेंट्स दिए हुए हैं, किस कोड का क्या काम है वो सारा बता रहा है। और बेसिकली जब आप इस ऐप को रन करने जाएंगे, लेट मी क्लिक ऑन रन, तो ये आपका काउंटर ऐप ही है जो ये काउंटर ऐप आपके बना के देता है, ठीक है। हमने कह दिया ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि ये अपने तरीके से बना रहा और हम क्योंकि नया सीखना चाह रहे हैं तो किसी दूसरे का कोड समझना मुश्किल हो जाता है। तो बात क्या है कि बात ये कि हम इसको डिलीट करेंगे और मैं जीरो से स्क्रैच से वन बाय वन अपनी चीज़ें खुद बनाऊंगा, ठीक है। बेस्ट हो गया कहानी यार। तो अब इसका मैंने आउटपुट जनरेट कराना है, वेटिंग फॉर डीबग विंडो। जब तक ये वेट करे तो अब लॉजिक इसमें ये कि बेसिकली अब आप थोड़ा सा इस कोड को समझ लो। ये वही चीज़ें जो हमने प्रीवियस क्लास में भी की थी, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप फ्लटर का मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो पुराना पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हेलो वर्ल्ड वाला, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहली चीज़ वही है, इंपोर्ट पैकेज मटेरियल पर। ये वो पैकेज है जिस मटेरियल एआई का डार्ट पैकेज जो हमें ज़रूर चाहिए होता है, हर क्लास के अंदर एक दफ़ा हम इसको इंपोर्ट ज़रूर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें जब तक ये लोड हो जाए, उसके बाद फिर void main मेथड। void main बताता है कि भाई मेरी जब ऐप पे यूज़र क्लिक करेगा तो सबसे पहले कौन सी फाइल और कौन सा कोड रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट आया था, इसको बताना लाजमी होता है। इसके अंदर अब उसने कहा है कि रन ऐप करो, ये भी लास्ट टाइम हमने किया था। रन ऐप का मतलब ये कि जब मेन में जाऊं तो मेरी, अब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेन में अंदर आ गए, यहाँ मेन वाला फंक्शन सबसे पहले पहले एग्जीक्यूट होता है, नो मैटर व्हाट वी गो वेयर वी गो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे एप्पल का सिस्टम हो, चाहे वेबसाइट हो, ये वाली लाइन सबसे पहले, ये वाला फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर आके अब हमें जो बताना है कि अब करना क्या, क्योंकि ये तो खुद ही को एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हमने एक और बिल्ट इन मेथड से पुकारा, हमने कह दिया भाईजान रन करो ऐप मेरी, कौन सी ऐप है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, अब यहाँ से थोड़ा सा डार्ट का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कोडिंग हमारे पास डार्ट की और फ्लटर की टेक्नोलॉजी को मिला के हमने की हुई है, जहाँ पे हमने क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग पे काम कर रहे हैं और ये स्टेटलेस एक विजेट यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। अब इस क्लास को भी अगेन मैं ब्रेक डाउन करके आगे चलकर समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ आउटपुट पे आ जाते हैं। तो ये मेरे पास आ गया डिफॉल्ट आउटपुट, जिसके अंदर एक बटन कोने में दिया हुआ है, जब इस पर आप क्लिक कर रहे हैं तो ये नंबर चेंज कर रहे हैं, यू हैव पुश्ड एज मेनी टाइम्स ऐप बार आ गया बस, ठीक है। अब यही चीज़ बेसिकली मैं आप खुद से बनाऊंगा, थोड़ा बहुत काफ़ी मिलती जुलती इसी तरीके की जो हमारा ये वाला ऐप था, ठीक है। हमारे इसके अंदर बेसिकली काउंटर ऐप चल रहा है, इसको रीसेट किया जीरो हो गया, आइडिया वही है, लेकिन थोड़ा सा बटन को हम उठा के सामने ले आएंगे, रीसेट का बटन ऐड कर देंगे, नीचे डेवलप्ड बाय कंपनी का नाम दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ हमें करनी है। ये वो डिफॉल्ट ऐप है जिसके अंदर भी सेम चीज़ें हो रही हैं। तो आप इस कोड को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कोड को हम समझना चाह रहे हैं तो व्हाट आई विल डू इज कि मैंने इस इंपोर्ट की स्टेटमेंट रहने दी, क्योंकि ये मुझे एनी हाउ चाहिए, ठीक है। मैं void main में चला गया, void main में गए, रन ऐप ये वाली एक लाइन है, ये मुझे हर हाल में चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इस क्लास को इस्तेमाल करना है। उसके बाद नीचे ये जितना भी कोड है ना, ये सारा कोड मैंने शहजादे का उठाया और मैंने कह दिया बाबे डिलीट मार, ठीक है। आई थिंक ये एक और लाइन भी डिलीट हो जाएगी। तो मैंने सारा कोड डिलीट किया, क्योंकि मैं स्टेप बाई स्टेप आपको खुद बताने जा रहा हूँ कि भाईजान आपने करना क्या है और ये सारा कोड आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे आने के बाद हमने दोबारा से कोड को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं void main ऐप को बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। पहली चीज़, जब भी हम फ्लटर में काम करते हैं, इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर डॉट मटीरियल डॉट डॉट, ये वो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये कि मटीरियल डॉट AI की पूरी लाइब्रेरी जो है वो बनी हुई है, मटीरियल लाइब्रेरी बनी हुई है, UI डिजाइनिंग की लाइब्रेरी हजरत अंग्रेज ने बना के रख दी है। आपका काम ये है कि उसको सिर्फ इम्पोर्ट करें और उसके मेथड्स और फंक्शंस को कॉल करें, ठीक है। तो ये ज़रा झंझट आसान हो जाता है, ओके। उसके बाद आते हैं void main मेथड के अंदर। ये वो मेथड है जो बताता है कि सबसे पहली चीज़ जब इस मेथड पे, इस ऐप के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो, तो वो ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज, तो ये मेथड कहलाता है मेरी जबान में, फंक्शन कह लें, कुछ लोग फंक्शन कहना पुकारते हैं, मेथड है, जावा के अंदर हम मेथड लव्स कॉमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, फंक्शन कह लें, मेथड कह लें, टेक्निकली बात एक ही है, डार्ट की जबान में फंक्शन ही है ये, तो फंक्शन कह के पुकारते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया, इस फंक्शन का काम ये कि जब यूजर क्लिक करेगा तो सबसे पहले आंखें बंद करके सिस्टम इस मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। हमने कह दिया भैया डन हो गई कहानी। इस मेथड के अंदर आने के बाद अब हम इसको बता रहे हैं कि जब ये मेथड ऑटोमेटिकली सिस्टम रन होगा तो उसके नतीजे में क्या हो, उसके नतीजे में हो रन ऐप, ये वाली ऐप जो है वो हमारे पास रन हो जाए, ठीक है। ये रन ऐप भी अगेन एक और फंक्शन है, फंक्शन की पहचानने की निशानी ये कि उसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन आके ख़त्म होते हैं। ये भी इंडिकेट करता है कि भाईजान ये मेरे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और आर्ग्यूमेंट करके एक और फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्टर को बेसिकली हमने कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया हुआ, लेकिन अभी इस पर रेड लाइन आ रही है क्योंकि ये फंक्शन मौजूद नहीं है।
अब इसको क्रिएट करने का तरीका है। तो पहली जो सीक्रेट ट्रिक है जो मैंने आपसे कहा था शुरू इंट्रो में कि यार ये हम क्रिएट करने जाएंगे, वो है STF। STF लिख के जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ऑटोमेटिकली सारा कोड आ गया। वाओ, ठीक है, कंट्रोल जेड, और फिर मैंने इसको कह दिया भाईजान गायब हो जाओ। दोबारा आते हैं, वर्ड मेन मैंने लिखा, फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज किया, रन ऐप कर दिया मैंने। यहाँ पे रन ऐप को आप हटा भी देते हो, कुछ भी लिख दो, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कोड मेरा ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मुझे बाकी का कोड लिखना है। तो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ एंड्रॉइड, सॉरी फ्लटर। यहाँ पे आने के बाद आप लिखोगे STF। STF बेसिकली आपके पास एक कमांड है स्टेटफुल विजिट बनाने की। ठीक है, ये आपकी स्टेटफुल विजिट बनाने की कमांड है। इसको आके जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे पूरा कोड खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया। STF हमारे पास एक कमांड है जिसके तहत आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप STF एंड प्रेस टैब टू जनरेट कोड ऑटोमेटिकली। बस, ठीक है, तो सारी टेंशन ही खलास हो गई। ओहो, उसने ये क्या कर दिया यार, ये क्या कर दिया, कंट्रोल एक्स, ये हर जगह पे उसने कमेंट दे दिया। मैं बता रहा हूँ वो कर क्या रहा है, वापस डिलीट किया इसको। ठीक है, मैंने दोबारा लिखा STF, टैब प्रेस किया, पूरा कोड आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे वो कर्सर इसीलिए ब्लिंक कर रहा है, उसने कहा अरे कोड तो मैंने लिख दिया लेकिन अब इस कोड का नाम देना है। यहाँ पे भी माई विजेट, यहाँ 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 भी माई विजेट, इस तरह से ये 6-7 जगहों पे ऑटोमेटिकली माई विजेट आ रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली आपको अपनी क्लास का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल जिशान अकेडमी ZACOUNTER काउंटर। ठीक है, तो ZA काउंटर करके मैंने एक ऐप का नाम दे दिया। अब देखो मैंने जैसे ही ZA काउंटर लिखा तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ माई विजेट था उसने सब जगहों पे वो खुद ही लफ्ज तब्दील कर दिया। ये उसका पहला एडवांटेज है। तो जब आप चेंज करोगे तो STF लिखकर एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आके मैं कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, ब्रैक स्लैश दे के कमेंट कर दिया, ये आ गया कमेंट मेरे पास, टाइप STF एंड प्रेस टैब टू जनरेट कर लो ऑटोमेटिकली। ये हो गया हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्टेप वन। ठीक है, और उसके बाद आते हैं स्टेप टू के अंदर विथ 6 कर्सर्स ब्लिंकिंग। ठीक है, टाइप द नेम ऑफ योर ऐप और क्लास। ठीक है, चलें जी, जहाँ पे आपके 6 कर्सर्स ब्लिंक कर रहे होंगे उस वक्त आपने सेकंड स्टेप में अपने क्लास का नाम टाइप करना, जैसे मैंने ZA काउंटर करके टाइप कर दिया था क्लास। तो अब यहाँ पे ऊपर माय ऐप जहाँ पे लिखा था ना, अब बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ये वो था जो पहले लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ZACOUNTER काउंटर। ठीक है, मैंने अपनी क्लास का नाम दे दिया। अब इसने जो ऑटो कोड जनरेट किया है, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर वापस मैं इस वाले रन ऐप पे आता हूँ। अब जब ऑटो कोड जनरेट हुआ तो उसको अगेन थोड़ा समझना लाजमी है। पहली चीज़ उसने क्या की, क्लास बनाई। क्लास अगेन हम डार्ट में जाएंगे, थोड़ा सा और तफसील में पढ़ेंगे। क्लास का बेसिकली मतलब ये कि प्रोटोटाइप, इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस और मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाया ZA काउंटर का, इसको हमने करा दिया एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब ये कि यार एक और हजरत अंग्रेज ने बना के रखी हुई है स्टेटफुल विजिट। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन एंड्रॉइड इन फ्लटर टिपिकली, एक स्टेट लेस कहलाता है, एक स्टेटफुल कहलाता है। स्टेट लेस विजिट वो होता है जहाँ पे आपके सिस्टम का स्टेट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, आपकी ऐप का स्टेट तब्दील हो रहा है, उसमें वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको स्टैटिक दिखाना होता है कि कुछ भी करो वो स्टैटिक चल रही होती है, तो उसको हम स्टेट लेस कहते हैं। बहरहाल मैं इसके ऊपर आगे चल के मैंने कहा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फॉर नाउ स्टेटफुल विजिट का एक हमारे पास ऑटो कोड जनरेट होकर आ गया। हमने कह दिया ज़बरदस्त, स्टेटफुल का मतलब ये कि मेरा स्टेट जो है वो रन टाइम पे तब्दील हो रहा है। फिर उसके अंदर उसने कॉन्स्टेंट ZA काउंटर इसी का ही एक बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हुआ जो अपनी सुपर वाली क्लास स्टेटफुल की को पुकार रहा है। क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास एक प्रोटोटाइप होती है, उस प्रोटोटाइप के अंदर हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसका जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तो उस ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास का डेटा आ जाता है, मटीरियल आ जाता है। जस्ट लाइक अ कार, कार एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होंडा की टोयोटा की एक मॉडल उठा लें कोई भी, तो उसकी हम एक पहले क्लास बनाएंगे, उस क्लास में हम उसकी प्रॉपर्टी रखेंगे कि भाई इसमें 4 टायर होने चाहिए, टायर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसका शेप का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, हेडलाइट कैसे होनी चाहिए, इंजन कितनी पावर की होनी चाहिए, XYZ, ठीक है, डैशबोर्ड कैसा, सिस्टम कैसा, वगैरह वगैरह। ये सारी एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ जो है ना हम एक दफ़ा क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे।
फिर जब मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मीन्स एक गाड़ी का एक्चुअली मॉडल बनाया, तो उस मॉडल के पास, अब क्योंकि मैंने उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट के पास, उस मॉडल के पास, उस क्लास का सारा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके पास भी क्लास का सारा डेटा आ गया, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का सारा डेटा आ गया। हैंस ये होता है कि मैंने एक दफ़ा क्लास में प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स डिफाइन कर दिए, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता जाऊंगा और उन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करता जाऊंगा। हर गाड़ी मॉडल दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। मैंने 10 गाड़ियां के निकाली, 10 मॉडल्स निकाले, होंगे सारे एक जैसे ही, लेकिन एक दूसरे से आपस में कोई ताल्लुक नहीं, सब कैसे एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे। ये बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बस तो ये हमने यहाँ पे क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर फिर कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें पहली चीज़ आई थी कंस्ट्रक्टर की, हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया भाई, ठीक है। इसी तरह से उसने ओवरराइड करते हुए कंस्ट्रक्टर के स्टेट को ओवरराइड किया, इस वक्त आ रहा है स्टेटफुल, यहाँ पे उसको अब इसने एक और चीज़ से ओवरराइड किया। किस चीज़ से? इसने एक और क्लास बनाई, ठीक है। ओवरराइड से मतलब ये होता है कि रिप्लेस करना। अब ये उसका थोड़ा सा कोड स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम एसटीएफ लिख के जनरेट करा देते हैं। फिर उसने अपनी एक और क्लास बनाई, ये यहाँ पे एक क्लास ख़त्म हुई, यहाँ पे दूसरी क्लास आई। ये क्लास स्टेट बता रही है कि मेरी ऐप जब रन करेगी तो उसका स्टेट कैसे क्रिएट होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। वो चीज़ उसने आके यहाँ पे बनाई। तो ये वो कोड है जो बेसिकली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसमें एक स्टेटफुल विजेट एक्सटेंड यहाँ पे किया गया, अगेन पहले से बनाई हुई एपीआई है, उसको इम्पोर्ट किया गया, पहले से बनाई हुई क्लास है, उसको एक्सटेंड किया तो उसके सारी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स इसके पास आ गई। फिर इसने स्टेट इस वाले ZA को एक्सटेंड किया, मीन्स इस ये जो क्लास थी इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करा दिया, तो मैंने अपनी ही क्लास को एक्सटेंड करा दिया, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा फ्लटर का कोड स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो काम करती है। इसके अंदर फिर मैंने विजेट बिल्ड और फिर एक विजेट हमने अपना क्रिएट कॉन्स्टेंट करके बनाया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करते आएंगे जिसके तहत कोड बनेगा। तो ये वो ऑटो जनरेटेड कोड है जो सिर्फ एसटीएफ जब हम लिखेंगे तो उससे हमारे पास जनरेट हो जाता है। यहाँ तक बात उम्मीद है समझ में आई होगी, समझ में आई ये चीज़ थोड़ी बहुत, तो कोड को आपने नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। अब इसकी स्टेट को हम चेंज करने जाते हैं, ठीक। तो अब आ जाते हैं अपने कोड के अंदर और कुछ जिसके अंदर हम हरकतें शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कोड एक लिहाज से जो आप समझे हर दफ़े आपको बेसिक चाहिए होता है, मेन ऐप, रन ऐप और फिर एसटीएफ लिख के एंटर करेंगे, 6 कर्सर्स आएंगे, अपनी क्लास का नाम देते हैं, डिफ़ॉल्ट कोड कोई चेंज नहीं किया, ये हर दफ़े आपको डिफ़ॉल्ट कोड मिलेगा। अब पहली चीज़ क्या करते हैं कि पहली चीज़ आ जाता है रन ऐप के अंदर। अब रन ऐप के अंदर आके हमने ऑलरेडी अपने कोड का नाम दिया हुआ है। अच्छा, अगेन जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बात की हुई है, ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं फंक्शन के अंदर। तो मैंने फिलहाल फॉर एग्जांपल इसको एंटर कर दिया क्योंकि मैं इस रन ऐप के अंदर 2-3 आर्ग्यूमेंट्स लिखने जा रहा हूँ। तो फॉर नाउ मैंने इस जेड काउंटर को डिलीट कर दिया और मैं रन ऐप के अंदर आ गया। तो अब बेसिक तरीका कार्य होता है कि ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन दिया और फिर एंटर प्रेस करके हमने न्यू जो था वो कोड लिख दिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा मटीरियल ऐप, ठीक है। मटीरियल MATERR ये मटीरियल ऐप के, भाई मुझे एक मटीरियल ऐप का फंक्शन आप दे दो, ठीक है। सॉरी ये चीज़ डिलीट हो जाए, मुझे मटीरियल ऐप का एक फंक्शन बेसिकली चाहिए। ये लास्ट क्लास में भी हमने यूज़ किया था। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि भाई जब ऐप रन होगी तो उसका जो मटीरियल UI बनेगा, डिज़ाइन, वो मटीरियल ऐप का बनना चाहिए। तो ये मटीरियल ऐप देखे मैंने इसके आगे ब्रैकेट अन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस मटीरियल ऐप के अंदर मुझे क्या करना है, बेसिकली अपनी ऐप का स्ट्रक्चर और उसका कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। सच है, सबसे पहले मैं टाइटल दे दूंगा कि मेरे पास ये हो जाएगा SIMP सिंपल काउंटर ऐप। तो ये जो मेन हमारे पास पेज का टाइटल है वो हमारे पास आ जाएगा। अगेन क्योंकि ये टाइटल है तो इन्वर्टेड कोटेशन स्टार्ट करते हैं और इसको इन्वर्टेड कोटेशन को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ताकि ये एरर हमारे पास ना आ जाए। ये मेरे पास सिंपल मटीरियल ऐप का टाइटल हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से अब जो दूसरी इसमें मेजर चीज़ हम देंगे वो ये देंगे कि यार जब ये मटीरियल ऐप आए तो इसके होम के अंदर हमारे पास क्या चाहिए। हमारे पास देखो उसने खुद ही लिख के बता दिया, कॉन्स्टेंट ZA काउंटर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल ZA काउंटर वाला मुझे एक पैरामीटर, भाईजान आप दे दो। वॉट दिस वुड बेसिकली मीन, इसके अगर आप इसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा ताकि पैरामीटर चेंज इसके ना हो। फॉर नाउ हमने सिंपली ZA काउंटर करके लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा सॉरी सेमी कॉलन नहीं आएगा, ZA काउंटर और कॉमा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार आप जो ऐप बनाने जा रहे हैं वो हम होम के अंदर मुझे विजिट चाहिए ZA काउंटर का जो मेरी ऐप होगी, ठीक है। तो अब ये ZA काउंटर जो मैंने पूरी क्लास बनाई थी, दिस बिकम्स अ कंप्लीट विजिट और ये मेरे मटीरियल ऐप के अंदर एज अ मेन होम के अंदर पूरी की पूरी छा गई, पूरी की पूरी ऐप का जो फील एंड लुक बन गया वो बेसिकली ये चीज़ बन गई, समझ में आई बात। तो यहाँ से हमारे पास एक बेसिक हमने अपनी क्लास को कॉल करा दिया। अब मैं अपनी क्लास के अंदर जो भी चीज़ रखने जाऊँगा वो मेरे पास
रन होगी मटेरियल ऐप के तहत वो डिस्प्ले होगी, ठीक है, फैंटास्टिक। अच्छा, रिमेंबर लास्ट टाइम क्लास में हमने जब इसको चलाया था तो इसमें एक डीबग वाला फीचर आ रहा होता है, उसको भी हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन चले डीबग का मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यार वो डीबग का हम कोड कैसे हाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो गई पहली चीज़ हमारे पास कंप्लीट कि रन करो मटेरियल ऐप के थ्रू, आपने जो है टाइटल दे दिया ताकि आपके पेज के टाइटल क्या है। होम में जाके हमने कहा कि यार जो मेरी पूरी ऐप बनेगी वो बेसिकली इस यूआई के तहत बनेगी, बस कहानी ख़त्म हुई। ये हमारे पास सेमी कॉलन और ब्रैकेट बेसिकली क्लोज हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमने ZA काउंटर का बनाया हुआ था, ये हमारे पास स्टेटफुल विजिट बन गया। इसका मतलब ये कि मेरे पास पूरा एक विजिट बन गया, मेरा अपना बनाया हुआ जो मैंने होम की मटेरियल यूआई के अंदर लोड करा दिया, ये पूरा होम उसके ऊपर चला जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे, हमारे पास जो मेजर चीज़ दूसरी आ जाती है वो ये है इस वाले विजिट के अंदर, ठीक है। अब ये जो विजिट बिल्ड है हमने अभी इसके अंदर सारा काम करना है। इस विजिट बिल्ड के अंदर मुझे बताना है कि जो मेरा विजिट बनेगा, जो मेरा आप कस्टम विजिट है, वो क्या होना चाहिए। तो उसको हमने यहाँ पे फिलहाल रिटर्न कॉन्स्टेंट प्लेस होल्डर कराया हुआ है कि वो फिलहाल डमी एक चीज़ रिटर्न हमारे पास करेगा। इस वक्त मुझे इसको रिटर्न प्लेस होल्डर नहीं कराना, ठीक है, मुझे बल्कि क्या कराना है, मैंने इसको कह दूंगा भाईजान तुम रिटर्न से ये वाला जो कोड है वो करो डिलीट, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे स्कैफोल्ड, ठीक है, यार तुम स्कैफोल्ड रिटर्न करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, और भाईजान सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा स्कैफोल्ड जो होगा वो कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगा, और ये मेरे पास इसका ब्रैकेट स्टार्ट होके ब्रैकेट क्लोज होके ये कहानी पहली। तो एंड्रॉइड फ्लटर में काम करते हुए ये पहली चीज़ हमें ख्याल रखनी है। स्कैफोल्ड क्या हुआ, आपकी पूरी यूआई का जो पेज है उसको डिफाइन करता है। होम हमने कहा था कि पूरी यूजर इंटरफेस का जो पूरा पेज है उसके अंदर जो ऐप का एक स्टेट बनती है, ऐप की एक एनवायरमेंट बनती है, उसको हम स्कैफोल्ड कहते हैं, जो बेसिकली एक एक्टिविटी हो गया, एक पेज हो गया जिसके अंदर आपने कंपोनेंट्स को डालना है, ठीक है। इस स्कैफोल्ड को हमने यहाँ पे क्रिएट करा दिया, जैसे एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ऑटो कोड आ गया, ये कह रहा है कि यार ऐप बार बना और मेन चैनल सेंटर बनाए। बेसिकली अब हमें क्या करना है, उस स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार बनानी है। तो मैंने ऐप और बार लिख दिया, कॉलन दिया, और फिर इसको मैंने कहा भाईजान ऐप बार बना दो, तो ये ऐप बार का हमारे पास एक विजिट आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। ऐप बार का मतलब ये कि ऊपर की टॉप की बार मुझे बना दो, मैं अभी दिखा देता हूँ, उसको टेस्ट करते हैं अभी कि यार टाइटल बनाओ, उप्स ठीक है, टाइटल बनाओ कॉलन, और टाइटल को आप दे दो कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेक्स्ट हमने दे दिया इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन देना लाजमी है, और अब इसको हम टेक्स्ट में लिख देंगे सिंपल काउंटर ऐप। ये मेरे पास सिंपल आ गया, मैं चाहता हूँ कि टाइटल मेरे पास सेंटर टाइटल हो जाए, और इसको हम कर देते हैं ट्रू, तो कॉमा आ गया, ठीक है। ये भी क्या हुआ है, हमने एक विजिट बनाया, उस विजिट को कुछ एट्रीब्यूट्स दे दी। लेट मी जस्ट सेव इट अप टिल दिस पॉइंट। ऊपर आ जाते हैं, इस वॉइड मेन के ऊपर ही रन का लिखा हुआ आपके पास आ जाना चाहिए, रन पे क्लिक करके इसको टेस्ट कर देते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होम, ये हमारे पास स्कैफोल्ड, और फिर अब इसके अंदर हमने ऐप बार, ये जो तीन चीज़ें ऐड की हैं ये बेसिकली क्या हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो हमारे पास ऐप हमारी रन होकर आ गई जनाब, एंड नाउ दिस इज व्हाट वी बेसिकली आर गेटिंग। तो फिलहाल सिंपली एक हमारे पास ऐप बार नज़र आ रहा है। अब वापस कोड पे चले जाते हैं और देखते हैं कि हमने किया क्या है और मेरे पास आउटपुट कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको फिलहाल हाइड कर देता हूँ, इसको हमने यूँ किया और सिंपल ऐप को हमने साइड बाई साइड रख लेते हैं, इसको हमने इस तरह से कर दिया ताकि थोड़ा सा नज़र आ जाए हमें, इसको भी हमने बंद कर दिया, ओके। तो अभी हमारे पास पूरा कोड आ गया। अब पहले ही चीज़ हमने क्या की थी, रिमेंबर रन किया था मेन के अंदर कि जैसे मेरी ऐप रन हो तो क्या हो, तो हमने कहा उसको मटेरियल ऐप की यूआई दे दो, ये फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन यहाँ पे एंड किया। समटाइम्स हम कॉमा दे देते हैं, समटाइम्स कॉमा नहीं दिया जाता, यूजली कॉमा की वजह से फिर आपका थोड़ा सा जो उसका फॉर्मेटिंग है वो आसान हो जाता है। इसके अंदर हमने कहा टाइटल सिंपल काउंटर ऐप, तो यू नोट करें कि यहाँ पे टाइटल सिंपल काउंटर ऐप लिखा हुआ है। रिमेंबर क्योंकि हम फ्लटर में काम कर रहे हैं तो विंडोज़ ऐप भी बन रही है, मोबाइल भी ऐप भी बन रही है, डेस्कटॉप ऐप भी बन रही है, वेब ऐप भी बन रही है, तो कहीं कहीं पे टाइटल नज़र आएगा, कहीं पे टाइटल नज़र नहीं आएगा। इस वक्त टाइटल आपके पास इस पेज के टाइटल का नाम है, ये सिंपल काउंटर ऐप करके टाइटल आ गया। उसके बाद हमने होम में गए और ZA काउंटर वाली विजिट को कॉल किया, जो मेरी क्लास थी। अब मेरी क्लास एज अ स्टेटफुल विजिट के तौर पर बिहेव करेगी। इस वाली क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया एज ए कंस्ट्रक्टर के भाई ये जो होम है मीन्स इसका जितना भी अभी बॉडी का एरिया है पेज का, ये मेरे इस वाली क्लास को कॉल करेंगे। इस क्लास के अंदर चले गए तो इसके अंदर हमने अपने सिंपली कंस्ट्रक्टर इसी क्लास को कॉल किया था और फिर ओवरराइड करा दिया था ZA काउंटर क्रिएट स्टेट, एक स्टेट बनाओ ZA काउंटर स्टेट के नाम से। तो ZA काउंटर क्या है, ये वाली स्टेट बनाई। तो जब इस विजिट को बुलाया तो इस विजिट ने अपने अंदर से एक और चीज़ को पुकारा जिसका नाम उसने रखा हुआ है ZA विजिट स्टेट। ये स्टेट क्या बनेगी, ये आपकी ऐप की स्टेट बताएगी कि मेरी ऐप की मेन एक्टिविटी क्या है, स्टेट क्या जा रही है। इस स्टेट के अंदर हम बेसिकली विजिट बना रहे हैं,
तो ये बेसिकली वो पेज आ गया, ये वो आपका वेब पेज हो गया, या प्रेजेंटेशन स्लाइड कह लें, या बेसिकली मेन स्टेट कह लें। जो ऐप चलती है तो पहली दफ़ा जो आपको नज़र आ रहा है वो मेन स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमने विजिट बिल्ड बनाया। स्कैफोल्ड बेसिकली अब ये विजुअल एरिया जहाँ पे आप चीज़ें रखते हैं, तो इट्स लाइक अ ट्रे, इट्स लाइक अ कैबिनेट या एक बॉक्स कह लें जिसके अंदर अब आप कंपोनेंट्स रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कहा भाईजान ये स्कैफोल्ड बनाओ। स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहला विजिट हमने ऐप बार का दिया, तो ये ब्लू कलर का ऊपर ऐप बार आ गया। इस ऐप बार का टाइटल हमने दे दिया सिंपल काउंटर ऐप, तो सिंपल काउंटर ऐप लिखा हुआ आ गया। सेंटर टाइटल एट्रीब्यूट दे दी, तो सेंटर कर आ गया। ये डीबग लिखा हुआ रहा है, इस शहजादे को आपने गायब करना है, तो रिमेंबर हम चले जाएंगे मटेरियल यूआई के अंदर। ये एक्चुअली मटेरियल यूआई की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आ जाएगा डीबग शो, उसको टैप करके आप ऑटो कोड के अंदर प्लस कर देंगे, तो ये अब आपका टैप वाला चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पहला बेसिक स्टेप यहाँ पे हो गया कंप्लीट, वंडरफुल। अब आ जाते हैं सेकेंड कंपोनेंट्स जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ऐप बार के कॉमा पर आए, इस कॉमा के बाहर चले गए हम, यहाँ पे आने के बाद अब मैं ऐड करूँगा बॉडी। ठीक है, तो ऐप बार ये सेगमेंट रहा, ऐप बार के नीचे बॉडी का एरिया आया, ये दोनों स्कैफोल्ड का हिस्सा है। तो जैसे ही बॉडी लिखी तो सीधे इसने ऑटोमेटिकली बहुत सारा कोड लिख दिया है। फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैंने कह दिया यार कॉलन, मैं टैप प्रेस नहीं कर रहा, मैं शहजादे को अपना कोड खुद बता रहा हूँ कि सेंटर पे जाओ। अब सेंटर पे जाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और कॉमा दे दिया। ये एक प्रैक्टिस आपने हर दफे करनी है। ठीक है, तो आपके कोड में एरर नहीं रहेगा, वरना कोड में एरर आता रहेगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा बॉडी भाईजान सेंटर कर दो, क्योंकि जो भी चीज़ आएगी मुझे पेज के सेंटर पे चाहिए। हमने कह दिया अच्छा ठीक है, अब इस सेंटर के अंदर क्या हो, अब मुझे इसके अंदर देना चीज़ें। तो फॉर एग्जाम्पल उसने देखो खुद ही आपको हेल्प प्रोवाइड कर दी कि चाइल्ड कॉलम। इसीलिए वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो फिर फ्लटर में काम करना बहुत आसान है, क्योंकि कोड लिखता जा रहा खुद ब खुद ही, कोई खुद ब खुद ही इसकी फ्लटर के हमने जो एक्सटेंशन इसमें की हुई है वो खुद ही आता जा रहा है। अब ये कह रहा है कि भजन पहले तो कॉलम ऐड करो, हमने कह दिया ठीक है। तो कॉलम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं एक चाइल्ड, और इसको मैंने कह दिया CLUMN कॉलम ऐड करो। अगेन इसकी भी पहले ब्रैकेट्स, ओके एक मिनट, सी में कैपिटल कर लेता हूँ, CLUMN कॉलम, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कॉमा। कॉमा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये मेन जो पहला ब्रैकेट आता है ना उसके आगे सेमी कॉलन आएगा, उसके बाद जितने भी आएंगे सबके अंदर हम क्या देंगे, कॉमा देंगे। ठीक है, तो ये स्कैफोल्ड है जो मेन में आ रहा है, स्कैफोल्ड यहाँ खत्म हो रहा है तो सेमी कॉलन आ गया। अब ये जितनी भी चीज़ें स्कैफोल्ड के अंदर आ रही है, ठीक है, तो ये उसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर बेसिकली जा रहा है। तो ये पहला विजेट आया कॉमा, ये दूसरा विजेट आया बॉडी का, जो मेन बॉडी के ऐप बार के बाद जो बॉडी है उसको डिफाइन कर रहा है। इस बॉडी को भी मैंने ब्रेक किया और चाइल्ड के अंदर, के बॉडी के अंदर मुझे चाइल्ड चाहिए। तो ये बेसिकली अब यूँ समझो कि हम एक हायरार्की बनाते जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरे के अंदर तीसरा, तो एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के अंदर तीसरा बॉक्स। ये बेसिकली वो चीज़ हमारे पास क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि यार सबसे पहले मुझे चाहिए कॉलम। अच्छा, तो कॉलम का ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब कॉलम की मेरे पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो इसको पहले मैंने कह दिया मेन एक्सिस अलाइनमेंट और सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और टैब प्रेस कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मेरे पास ऐड कर दी। अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं हटा सकता हूँ, मैं क्या यार मुझे ये नहीं चाहिए, मैं खुद लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा एक्सिस। ठीक है, मैं खुद इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ सके, वरना ऑटो कोड में ये होता है कि समटाइम्स फिर कॉन्सेप्ट नहीं आता कि यार ये कोड कहाँ से आया। तो टाइप करते हुए ये कि आप मुझे इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगेन ये कोड जो है वो मैं गिटहब पे अपना अपलोड कर दूंगा, सो यू कैन इजीली सी दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एट्रीब्यूट दे दी मेन एक्सिस अलाइनमेंट की। मेन एक्सिस अलाइनमेंट बेसिकली हमारे पास जो है ना स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी है, AXIS। ठीक है, चलें तो एरर ख़त्म हो गया। मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास जो है वो बेसिकली अलाइनमेंट करता है कि आपके जो कॉलम आएगा उसके अलाइनमेंट क्या हो। ठीक है, तो जैसे वर्ड के अंदर हम अलाइनमेंट के बटन पे टैप करते हैं ना कि सेंटर अलाइनमेंट हो, लेफ्ट अलाइनमेंट हो, जस्टिफाइड हो, ये उस चीज़ को डिफाइन करता है। तो हमने कह दिया भैया सेंटर अलाइनमेंट करो, कहानी मुकाओ। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे कॉलम जो बनेगा उसकी सेंटर की अलाइनमेंट होगी। इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर अब मुझे चिल्ड्रन ऐड करने हैं, तो मैंने ऐड करा दूंगा भैयान CHILDREN चिल्ड्रन ऐड करो, कॉलन WIDGET विजिट, और फिर हमने इसको दे देंगे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और आ जाओ मेरी जान। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, अब यहाँ पे हमने पहले उसको कहा कि यार जो कॉलम था उसके अंदर मुझे चिल्ड्रन चाहिए। ठीक है, कौन से चिल्ड्रन चाहिए, विजिट्स वाले, तो हम W कैपिटल कर लेते हैं एरर हटाने के लिए।
तो डब्ल्यू कैपिटल के साथ मुझे विजेट्स वाले चाहिए, और अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें पता है कि एरेज के लिए हम यूज़ करते हैं, लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये हम फ्लटर उसके अंदर डार्ट के अंदर थोड़ा सा और लिस्ट और जो है सेट्स उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये कि अब मुझे एक तो था चाइल्ड, मेन चाइल्ड आ गया, उसके अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स अब ऐड करने। वो छोटे कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए हम चिल्ड्रन विजेट का इस्तेमाल करते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे करना क्या है, मैं अंदर आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि यार एक टेक्स्ट का विजेट है वो यूज करो, अगेन वही चीज, पहले ब्रैकेट्स दिए, कॉमा दे दिया। टेक्स्ट विजेट में भाईजन क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट विजेट में फॉर एग्जाम्पल मुझे विजेट चाहिए, मैंने जीरो फिलहाल प्रेस कर दिया। ठीक है, कि जीरो आना चाहिए, और इसकी मैं एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ स्टाइल, फिलहाल सिंपली स्टाइल लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया एस टी वाई एल स्टाइल कॉलन, और हम इसमें टेक्स्ट स्टाइल करके एस टी वाई एल स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, हाँ ये वाला। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ फॉन्ट एस आई साइज, उप्स क्या हो गया, ठीक है फॉन्ट एस आई जेड साइज, और आई थिंक ये आ जाएगा कॉलन फॉर एग्जाम्पल 50.0। ठीक है, ये चीज़ आई। अच्छा, ये वाला जो स्टाइल था इसको हमने किया, बल्कि इधर सॉरी, ये जो टेक्स्ट था ना इसको यहाँ पे 00 कॉमा स्टाइल कॉमा ये चीज़ यूँ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने क्या किया कि टेक्स्ट 00 जो वैल्यू थी टेक्स्ट की हमने वो दे दी कॉमा, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट दे दी स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 50 कॉमा। ठीक है, और फिर ये टेक्स्ट का ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, तो डू इंश्योर कि आपने चीज़ें सही की हो। अभी भी फॉन्ट साइज के नीचे एरर आ रहा है, आई थिंक ये एफ स्मॉल होगा, तो एरर हमारे पास खत्म हो गया। गॉट इट, ये बेसिकली हमारे पास आ गया। अब जैसे इसको मैं सेव करूंगा, तो क्योंकि मैंने इस पर हॉट रीलोड ऑन हमने किया हुआ है, यहाँ से ये हॉट रीलोड, यू विल नोट कि हमारे पास टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हम जैसे इसको चेंज करते जाएंगे हमारे पास कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पास पहला चिल्ड्रन हमने ऐड कर दिया था हमारे बॉडी के अंदर, चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हमने कॉलम लेआउट बनाया। कॉलम लेआउट बेसिकली मतलब ये कि अब मैं कॉलम बना रहा हूँ। कॉलम मीन्स कि ये वन कॉलम टू कॉलम, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉलम आया, ये दूसरा कॉलम आया, तीसरा कॉलम आया, सिंपली हॉरिजेंटली से हम वर्टिकली से हम कहते हैं, हमने पेज को डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने उसके अंदर चिल्ड्रन ऐड कर दिए कि यार पहला चिल्ड्रन हमारे पास ये वाला ऐड हो गया टेक्स्ट का। इस टेक्स्ट के बाद अब मुझे दूसरा चिल्ड्रन ऐड करना है, लेकिन अब दूसरे चिल्ड्रन में मुझे दो बटन्स ऐड करने। तो अब जो दूसरा चिल्ड्रन मैं ऐड करूँगा बेसिकली वो मैं क्या करूँगा, वो मैं ऐड करूँगा एक रो को। तो यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पर लिख दिया रो, ठीक है भाईजान, और कॉमा दे दिया, और मेक श्योर आर कैपिटल हो, आर ओ डब्ल्यू रो। तो अब कॉलम के अंदर हम बेसिकली रो ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास ब्रैकेट्स और कॉलम कॉमा एक चीज़ आ गई। ये ऐड करने के बाद अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यार ये जो एक कॉलम बनाया है मेरा, इस कॉलम के अंदर अब आपने दो रोज ऐड करनी है ताकि मैं दो बटन इसके अंदर ऐड कर सकूँ। अब इसके अंदर भी बेसिकली मैं अगेन कोड टाइप करता चलूँगा, थोड़ा सा अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो इशू नहीं है। मेन ए एक्स अलाइनमेंट जो हमारे पास आएगी, इसके अंदर हम आ जाएंगे मेन अलाइनमेंट सेंटर, कि भाई अगेन सेंटर अलाइनमेंट मेरे पास कंपोनेंट हो जाए। अब ये रो है तो ये भी बेसिकली हमारे पास लेआउट का कंपोनेंट है कि हमें रो चाहिए, इस रो के अंदर भी मुझे बेसिकली चिल्ड्रन चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा चिल्ड्रन। तो अब देखो ये ऑटोमेटिकली कोड मेरे लिए लिखता जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ और ये खुद ब खुद दो बटन भी बना रहा है और सारा कोड मेरे लिए खुद ही कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम आपने कहा कि भाई हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो मैं लिखता जा रहा हूँ कि यार मेरे लिए एक चिल्ड्रन बनाओ, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारे पास ये चिल्ड्रन आ गया। ठीक है, कि रो के अंदर अब दो चिल्ड्रन चाहिए। दो चिल्ड्रन कौन से चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एलिवेटेड बटन करके। ठीक है, एलिवेटेड बटन करके हमारे पास दो चिल्ड्रन आ जाएंगे। एंटर प्रेस किया तो इसका कोड आ गया। कोड में क्या आया, ऑन प्रेस्ड, कि जब इस बटन पे भाईजान मैं प्रेस करूं तो उसके नतीजे में क्या हो, और दूसरा बात उसके अंदर चाइल्ड हमारे पास क्या हो। चाइल्ड से मतलब ये कि उसके जो ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखने जाएंगे वो टेक्स्ट क्या हो। तो फॉर एग्जांपल इस चाइल्ड के अंदर मैं टेक्स्ट का लिख लेता हूं, अगेन इसीलिए हम एंटर प्रेस करते हैं ताकि न्यू लाइन पर आ जाए। ये आ गया ऑन प्रेस बटन, इसको भी मैं एंटर प्रेस कर लेता हूं यहां पे, सॉरी उप्स एंटर, भाईजान तुम इधर आ जाओ यूं इस तरह, ताकि ब्रैकेट वाली शहजादी कहीं नहीं जाए। इसको भी मैंने नीचे कर दिया। ऑन प्रेस का ही हमारे पास ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट क्लोज हुआ, कॉमा आ गया। इसके अंदर भी वही चीज़, ऑन प्रेस का एक इवेंट हमने दे दिया कि यार जब इस बटन पे मैं प्रेस करूं तो उसके नतीजे में क्या हो। फिलहाल ऑन प्रेस वही टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं अभी इस पर आता हूं। ठीक है, चाइल्ड पे चले गए कि इस बटन का चाइल्ड क्या हो, तो हमने टेक्स्ट दे दिया।
फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी टेक्स्ट को यहाँ से हटा के हम कह देते हैं COUNT काउंट आ जाए, ठीक है, या जब मैं काउंट वाला एक बटन हमारे पास आ जाए उसको मैं क्लिक करूँ, उसके नतीजे में हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ परफॉर्म हो, डन हुआ। अब इस बटन का स्टाइल कैसे चाहिए आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑन प्रेस के बाद लिख लेता हूँ कि यार STYLE स्टाइल, एक हमारे पास एट्रीब्यूट है इसको हम कह देते हैं कि यार ये एलिवेटेड हो, ठीक है, एलिवेटेड एलिवेटेड बटन बन के आ जाए हमारे पास, उसका डॉट स्टाइल हमारे पास फ्रॉम आ जाए और ये इसका स्टाइल का सारा टैब प्रेस किया तो सारी इसकी कोडिंग हमारे पास आ गई। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि आपके बटन का स्टाइल कैसा होना चाहिए। मेजरली मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैडिंग है तो मैं पैडिंग लिख सकता हूँ कि भाई इसमें स्पेसिस कितने हमारे पास आने चाहिए, टेक्स्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, फॉन्ट बोल्ड वगैरह हमारे पास आ गया। मुझे मेजरली ये कलर चाहिए कि उसका अपने पास कलर क्या होना चाहिए। मैंने एस प्रेस कर दिया, एस प्रेस करेंगे तो ऑन प्रेस का इवेंट आपके पास आ रहा है, इसको सिर्फ हमें बताना है कि यार अगर ये इवेंट जब मैं प्रेस करूँ तो ये क्या हो, तो ये हमारे पास एक एरर आ गया। अगर मैं ऑन प्रेस को फिलहाल हटा ही देता हूँ कंट्रोल एक्स तो ये एलिवेटेड का एरर आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर देंगे कि फिलहाल मैं एक वेरिएबल बना लेते हैं या एक फंक्शन कॉल करा लेते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट का, चलें उस पर आते हैं अभी कि अभी होगा क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ आ गया। अगेन अगर ये कोड आपका जो ऑटो जनरेटेड कोड था समझ में नहीं आया तो मैंने अंडू कर दिया कंट्रोल जेड, क्योंकि अगेन मेरे लिए भी थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो रहा है कि मैंने ऑटोमेटिकली किया क्या है मेरे भाई। तो हमने ऑन प्रेस का एक इवेंट रखा हुआ है कि जब बटन प्रेस होगा तो क्या होगा, स्टाइल मैंने लिखा था, स्टाइल मैंने कहा एलिवेटेड बटन STYLE स्टाइल, और हम इसको कह देंगे कि यार क्या करो फ्रॉम कर दो, ठीक है, स्टाइल एलिवेटेड बटन STYLE स्टाइल फ्रॉम ब्रैकेट स्टार्ट करो ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। तो ये पहली चीज़ हमारे पास फंक्शन की आ गई कि यार स्टाइल कौन सा होना चाहिए। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंटर इसीलिए कि अभी मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें लिखने जाऊँगा। तो मैंने सबसे पहले कह दिया कि यार उसका जो प्राइमरी हमारे पास कलर होगा, ठीक है, COLOR कलर का सी कैपिटल कर लेते हैं, कलर्स डॉट क्या कर दो, फॉर एग्जांपल ब्लू, यार इसका ब्लू कलर कर दो। बस पहली चीज़ हमने ये कर दी कि मुझे उसके अंदर जो कलर चाहिए वो बेसिकली ब्लू कलर का चाहिए और कुछ भी नहीं। चाइल्ड हमने ये कर दिया कंट्रोल एस। एरर क्यों आ रहा है, कोड नहीं चल रहा, क्योंकि ऑन प्रेस का इवेंट है कि बटन जब प्रेस हो तो क्या हो, तो हमने कहा है ऑन प्रेस नाम करके कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एरर है। अब बेसिक लॉजिक ये है कि थोड़ा सा जब मैं बटन बनाऊंगा तो उस पर क्लिक होगा, बटन पे जब क्लिक होगा तो नंबर चेंज होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो हम कह देते हैं अच्छा यार ये फंक्शन कैसे बनेगा, तो हम कहते हैं कि अच्छा एक काम ये करो कि जो हमने क्लास बनाई थी हमारी ऊपर वाली जेड ए काउंटर स्टेट वाली, ठीक है, ये वाली क्लास, इस क्लास के अंदर आ गए शुरू में, कोड को स्क्रोल किया ऊपर, यहाँ पे आने के बाद मैं एक फंक्शन बना देता हूँ अपना। अभी तक हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ कि INCRE ये काउंट कर लेते हैं, काउंट COUNT काउंट नंबर कर लेती है एक फंक्शन, मेरी जान तुमने एक फंक्शन बना दिया, बस ब्रैकेट स्टार्ट किया ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया हमारे पास काउंट का फंक्शन, फंक्शन बन गया बस, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल कराऊँगा, तो कॉल कराने के लिए क्या मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट COUNT काउंट नंबर करके, देखो ये फंक्शन मेरा आ गया, बस मुझे इतना लिखना है, ठीक है, काउंट नंबर, क्योंकि मैं अभी कोई आर्ग्यूमेंट ने यहाँ भी रिसीव नहीं कर रहा तो मैं इधर आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल हो रहा है, मैं कह दिया ज़बरदस्त हो गया। तो अब जितनी दफ़ा बटन कॉल होगा ना एक्चुअली ये वाला काउंट का मेथड कॉल होगा, पर अभी इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ कंट्रोल एस करके ट्राई कर लेते हैं कि यार बटन मेरे सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हेयर वी गो, ये बटन मेरे पास नज़र आने लग गया, हमने कह दिया ज़बरदस्त कहानी हो गई यार, बटन तो बंद कर आ गया। अब इसके अंदर और हम क्या कह सकते हैं कि हम इसकी साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी इंटरनल साइज़ हमारे पास कितनी बड़ी हो बटन की। तो साइज़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली रिमेंबर हमने स्टाइल बनाया था, उसके अंदर स्टाइल की एट्रीब्यूट दी थी जिसमें हमने टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट भी बनाया था, और इसी तरीके से बटन जब चिल्ड्रन बनाया था एलिवेटेड बटन इसके अंदर भी हमने स्टाइल बनाया था। तो ये टेक्स्ट का स्टाइल रहा, यही स्टाइल मैंने इधर भी यूज़ किया जो बटन का रहा। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि यार जिस चीज़ का भी मुझे स्टाइल चेंज करना है बेसिकली स्टाइल का एक एट्रीब्यूट है, एक विजेट समझ हमने यूज़ करना है। अब इसके आप एट्रीब्यूट्स हर बटन की अपनी आती है, इसमें मैंने एक एलिवेटेड स्टाइल फॉर्म बनाया था, ये इसका अपना कोड है जिसके तहत काम करता है, इसके अंदर हमने प्राइमरी कलर ब्लू किया था, इसी के अंदर अब बेसिकली मेरे पास आ जाएगा पैडिंग करके। पैडिंग करके एक चीज़ आ जाती है कि यार पैडिंग बनाओ,
EDGE एज इंसर्ट सिमेट्री हॉरिजेंटल, और ये पूरा कोड लिखा हुआ गया। मैंने अब यहाँ पे टैब प्रेस कर दिया, डॉट मैंने इसको कहा सिमेट्री डॉट। ये बेसिकली अब क्या करेगा कि कोड लिखा हुआ आ गया कि पैडिंग ऐड करो। पैडिंग बेसिकली हम कहते हैं कंपोनेंट के अंदर के स्पेस को, कि उसकी हॉरिजेंटल स्पेस कितना हो, उसका वर्टिकल स्पेस हमारे पास कितना हो। तो 40 और 20 आ गया, मैंने कहा ओके इसको चेक करते हैं। तो रिसेव करा के हमने इसको, लेट्स सी, तो सीधे इसके बटन के अंदर हमारे पास स्पेस आ गया। हॉरिजेंटली हमारे पास 40 स्पेस आ गया, वर्टिकली 20 आ गया। अगर आपको वर्टिकली भी 40 करना है तो मैंने इसको भी 40 कर दिया सीधे। तो अभी वर्टिकल स्पेस को 40 किया, सेव किया, तो अब ये स्क्वायर फॉर्म में बटन आ गया। डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू इट, मैंने इसको 20 कर दिया, सेव करा दिया। तो ऊपर से कम है, साइडों से आपको 40 बटन नजर आ रहा है। ये एक बटन मेरे पास बन गया। अभी मैं क्लिक करूंगा तो बटन इज वर्किंग, सीधे रिपल इफेक्ट आ रहा है। मटीरियल यूआई का कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ। दूसरा बटन बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीसेट का। इसके साइड में एक और रीसेट बटन आएगा। तो हमने रो बनाई थी, अब बटन दूसरा बनेगा कहाँ? रिमेंबर, रो बनाई थी, रो के अंदर चिल्ड्रंस बनाए थे, चिल्ड्रन के अंदर एलिवेटेड बटन करके ये एक बटन आया था। इसी के अंदर अब मैं दूसरा बटन बनाऊंगा, ठीक है। इसी जहाँ पे एलिवेटेड बटन का भाईजान का ये शहजादा ख़त्म हुआ, ये वाला, इसी एलिवेटेड बटन के अंदर अब मेरे पास दोबारा से वही चीज़ आएगी। क्या चीज़ आएगी यार? एक और एलिवेटेड बटन बनाओ। ऑन प्रेस ऑन चाइल्ड का कोड भाईजान ने खुद ही लिख के दे दिया। मैंने कह दिया कि यार ये ऑन प्रेस को भी एंटर करके नीचे ले आए, चाइल्ड को भी नीचे ले आए, ताकि मुझे कोड को पढ़ने में आसानी हो। ऑन प्रेस के अंदर फिलहाल मेरे पास और कुछ भी नहीं मौजूद, तो मैं इसको भी काउंट नंबर वाला ही फंक्शन कॉल करा दूंगा ताकि एरर ख़त्म हो जाए। इसके चाइल्ड में अब मुझे क्या चाहिए, जो मैंने यहाँ पर बनाया था एलिवेटेड बटन, ये वाला था यहाँ तक ना, तो इसके चाइल्ड में क्या था, टेक्स्ट आया था। तो इसके जो ये वाला चाइल्ड है, चिल्ड्रन इसका क्या होना चाहिए, मैंने कह दिया भाईजान इसके भी चाइल्ड में ना तुम टेक्स्ट डाल दो। टेक्स्ट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उप्स एक सेकंड मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। देखो ये वाला ब्रैकेट है एलिवेटेड का, तो पहले तो मैंने स्पेस प्रेस किया, इसको एंटर करके न्यू लाइन पे ले आया, कॉमा लगा दिया ताकि ये ब्रैकेट वाला मसला ख़त्म हो जाए। अब आ जाते हैं चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड में आने के बाद मैं कह दूंगा शहजादे टेक्स्ट डालो, ब्रैकेट डालो, कॉमा डालो। पहली चीज़ ब्रैकेट दे दी, और अब इसने शहजादे ने खुद ही लिख दिया रीसेट, तो मैंने खुद ही रीसेट कर दिया। कंट्रोल एस, तो दिस शुड क्रिएट अ रीसेट बटन हेयर, ठीक है, हमने कह दिया ज़बरदस्त। अब मुझे इसके ऊपर स्टाइल ऐड करना है। स्टाइल ऐड करने के लिए अगेन ऑन प्रेस से पहले या इवन चाइल्ड के बाद कहीं पे भी अब मैं दे दूंगा यार इसका स्टाइल, उप्स ब्रैकेट STYLE स्टाइल कॉलन स्टाइल ऐड करना है मुझे। स्टाइल में मुझे क्या चाहिए था कि यार ये जो एलिवेटेड बटन हमने अभी भी बनाया, एलिवेटेड बटन जो अभी आपने बनाया, इसी एलिवेटन का डॉट मुझे स्टाइल फॉर्म चाहिए, STYLE स्टाइल फॉर्म। तो स्टाइल फॉर्म बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिवेटेड का प्राइमरी कलर और एज का जो स्टाइल फॉर्म था वो उसने खुद ही भाईजान ने दे दिया। तो मैंने कह दिया डन हुआ, ये खुद ही चीज़ हमारे पास सारी आ गई, ओके। वही चीज़ जो हमने यहाँ पे टाइप की थी वही चीज़ ऑटोमेटिकली लिखी हुई यहाँ पे आई। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू वर्क विद दिस थिंग, तो अब आपके पास सिंपली बेसिक क्या करना होगा कि एक चीज़ लिखेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। ये हमारे पास आ गया इधर, आई थिंक ये एलिवेटेड फॉर्म और पैडिंग, अच्छा सिर्फ ये कि कोड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एरर एक छोटा सा मुझे लग रहा है कि इसमें जनरेट हो गया। ये वाला रेड हुआ, ब्रैकेट्स का मसला आया कहीं ना कहीं। ये ब्रैकेट चाइल्ड की ख़त्म हुई, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इसकी ब्रैकेट किधर ख़त्म हुई, ये इसकी ब्रैकेट ख़त्म हुई, और अच्छा ये ठीक है, ये वाले स्टाइल की ब्रैकेट, तो मैं यूजुअली मैच करो ब्रैकेट्स को, ये आ गया मैच को। तो ऑटो कोड इसीलिए मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें फिर एरर आने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसको हमने किया सेफ, तो नाउ वी जस्ट चेक कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई भाईजान, ओके। तो आपके पास अब दोनों बटन्स हमारे पास बने हुए आ गए, एज यू कैन सी दिस के फैंटास्टिक कहानी हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास कोड हो गया रेडी स्टडी गो, दो बटन्स बन गए और उनके हिसाब से हमारे पास सेटिंग हो गई। हाँ, अब इनके अंदर हमारे पास कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, बस। तो अब इसको पहले सेट करते हैं, साथ साथ थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं कि इनके अंदर भी स्पेसिंग हमारे पास कम हो रही है। तो एक चीज़ हम करते हैं जिसको हम कहते हैं साइज बॉक्सिंग। तो दो कंपोनेंट्स के दरमियान में अभी जब हम स्पेसिंग कंट्रोल करने जाएंगे तो हम उसके अंदर एक एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं साइज बॉक्सिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं वापस यहाँ पे आ गया और मैं कहता हूँ कि रो, तो इस रो से पहले यहाँ जिस तक सेगमेंट था, क्योंकि रो इस वाली रो को डिफाइन कर रहा है, ठीक है।
कॉलम ये वाला हो रहा था, ये कॉलम वन हुआ ठीक है, और दूसरा कॉलम हमारे पास आया। तो इस रो से पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट यूज करूंगा साइज्ड बॉक्स का, ठीक है, और इसको हम हाइट दे देंगे एच ए आई जी एच टी हाइट, फॉर एग्जाम्पल 20 और कॉमा लगा देते हैं पहले, ठीक है। अब 20 पहले करके चेक कर लेते हैं कि यार 20 से हमारे पास कितना फर्क पड़ रहा है। सेव किया तो देखो थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 60 कर दिया, कंट्रोल एस। तो नाउ नोट करें कि आपके पास कंपोनेंट्स के अंदर स्पेस आना लग जाएगा। तो ये साइज बॉक्सिंग प्रोफेशनल तरीका नहीं है, फिलहाल एक क्विक मेथड है स्पेस एड करने का किसी भी कंपोनेंट से के पहले या कंपोनेंट के बाद, ठीक है। तो काउंट करके रीसेट, उससे पहले हमारे पास स्पेस आ गया। ऑब्वियसली मेरे पास अब फॉन्ट है तो मैं इसका फॉन्ट भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि ये 50 होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 90 होना चाहिए। तो ये भी बड़े पास बड़ा बटन बन के आ गया, डिपेंडिंग ऑन आप कितना रखना चाह रहे हैं, अप टू यू कि टेक्स्ट का फॉन्ट आप क्या कर रहे हो। आ जाते हैं अब हमारे मेन कोड के अंदर, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो उसके नतीजे में क्या हो। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे बेसिकली एक नंबर होगा, उसको अपडेट कराना है। तो हम सबसे पहले इस क्लास के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एक इंटीजर और counter काउंटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो करके एक नंबर बना ले, एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर कुछ ना कुछ हम डेटा सेव करेंगे। तो काउंटर एक मैंने नाम बनाया, एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर ये वैल्यू सेव की। अब ये वैल्यू की टाइप क्या हो, तो हमने इसको टाइप दे दिया इंटीजर, इंटीजर मीन्स नंबर, ठीक है। तो ये नंबर फॉर्म में हमारे पास टाइप आ गया। देर आर वेरियस डिफरेंट डेटा टाइप्स, अगेन ये नेक्स्ट क्लास में हम डार्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं डार्ट में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल मैंने एक सिंपल सा इंटीजर नंबर बना दिया, ठीक है। अब इस इंटीजर नंबर के अंदर हम आके अपने आ जाते हैं काउंट के अंदर। अब आइडिया ये कि जितनी दफ़ा मैं काउंट प्रेस करूँ, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ से फंक्शन हमने इसको दिया हुआ है काउंट नंबर का। तो जितनी दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा, इस काउंटर वाले वेरिएबल के जो अंदर डेटा है उसको प्लस वन करता जाए, मतलब उसकी स्टेट हमारे पास चेंज करता जाए। अब उसको लिखने का तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे सेट स्टेट काउंटर प्लस प्लस कॉलन, ठीक। अब हमने क्या लिखा, अभी हमने उसको कहा कि भाईजान सेट स्टेट करो। सेट स्टेट इसीलिए क्योंकि हम स्टेटफुल विजिट के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट का मतलब ये कि इस ऐप की करंट वर्किंग पोजीशन, करंट स्टेट, और ये स्टेट तब्दील होगी हर दफे, जितनी दफा हम बटन प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं। तो ऐप के अंदर रहते हुए मेरे पास इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसको स्टेट कह रहे हैं। और उसके लिए मुझे सेट स्टेट करना पड़ेगा कि यार स्टेट आपकी भाईजान तब्दील हो रही है। क्या तब्दील हो रही है, काउंटर जो अभी वेरिएबल बनाया उसके अंदर प्लस प्लस कर दो, काउंटर का वैल्यू उठाओ, उसकी जो भी करंट वैल्यू हो उसमें प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू वन कर दो, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मींस उसकी करंट वैल्यू में प्लस वन कर दो। इसको मैंने किया सेव और काउंट किया, तो अब हमारे पास यहाँ पे वह कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि मैंने बटन के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन इफ़ यू रिमेंबर ये जो टेक्स्ट फील्ड थी इसके अंदर भी मैंने डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस जीरो मैं दे दूंगा भाईजान डॉलर काउंटर। डॉलर का मतलब ये होगा कि ये जो वेरिएबल अभी आपने बनाया मैं इसको पुकार रहा हूँ, ठीक है। डॉलर बेसिकली इसका रिजर्व वर्ड है, एक खास सिंबल है जिसके तहत फ्लटर को ये पता चलेगा कि भाईजान ये एक वेरिएबल है जो आपने खुद अपना बना के ऊपर रखा हुआ है। इस ऊपर वाले वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो तुमने टेक्स्ट के अंदर प्रेस करनी है। तो जीरो इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर हमने ये कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। नाउ इफ आई डू काउंटर तो सीधे साहब का काउंटर बन गया। अब हो क्या रहा है लॉजिक, काउंटर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका ऑन प्रेस का इवेंट कॉल हो रहा है, ये काउंट वाले नंबर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये रहा फंक्शन मैंने बनाया, इस फंक्शन के अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, मीन्स इस वाले पैरामीटर की स्टेट तब्दील हो रही है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू तब्दील हो रही है। वैल्यू क्या तो रही है कि काउंटर की उठाओ प्लस प्लस कर दो। तो हम बता रहे हैं कि भाईजान आपकी ऐप चल रही है, रनिंग कंडीशन में यूजर प्रेस कर रहा है, उसके नतीजे में आपकी ऐप के अंदर वैल्यू तब्दील हो रही है। तो जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना, तो बटन प्रेस किया तो कोई जंप हो रहा है, ये हम कहते हैं स्टेट्स। तो ड्यूरिंग यूजर एक्शन, यूजर की वजह से स्टेट आपका तब्दील हो रहा है। तो जब भी तब्दील हो रहा है मैंने उसको सेट स्टेट के अंदर लग दिया, ठीक है, और सेट स्टेट के अंदर मैंने काउंटर को प्लस प्लस कर दिया। अब जितनी दफ़ा बटन प्रेस होगा तो ये आपका फंक्शन कॉल होगा, स्टेट तब्दील होगी, काउंटर की वैल्यू तब्दील हो गई। क्योंकि स्टेट तब्दील हुई है अब काउंटर की वैल्यू प्लस वन कर देगा, प्लस 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 वन कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस स्टेट को अपडेट कर देगा। बस ये काउंटर प्लस प्लस हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, रीसेट। जब मैं रीसेट कर रहा हूँ तब भी प्लस प्लस हो रहा है, क्योंकि रिमेंबर रीसेट वाला जो बटन था हमारा, इसके अंदर भी मैंने सेम काउंटर को कॉल किया था।
यहाँ पे लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन। अब दोबारा से वही लॉजिक देखो, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे कह दिया void, सॉरी मैं एक और मेथड बना देता हूँ, void reset 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 number और reset number करा दिया। अब देखो उसने कोड खुद ही लिख दिया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से दोबारा लिख रहा हूँ। मैंने कह दिया काउंट करो, मैंने कह दिया सेट स्टेट काउंटर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेट स्टेट की हमने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकॉलन। ये इसका एक डिफॉल्ट कोड है कि आपके पास हमने एक रन टाइम पे एक स्टेट जनरेट की, अब उसकी वैल्यू जीरो कर दी, क्योंकि रीसेट का मतलब ये कि जितनी दफा मैं रीसेट पे क्लिक करूँ तो वैल्यू जीरो हो जाए। तो अब मैं काउंटर की वैल्यू जीरो कर दूंगा सेट स्टेट चेंज करते हुए, बस कंट्रोल एस प्रेस किया, काउंटर की वैल्यू मैंने तब्दील करा दे गए, रीसेट पे क्लिक किया तो ये आपका अभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही? अगेन इसको हम कहते हैं टेस्टिंग, फाइंडिंग द बग्स। तो क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि वापस मैं रीसेट पे आता हूँ तो हमने नोट किया, अरे मैं ऑन प्रेस के ऊपर अभी भी काउंट को ही कॉल करा रहा हूँ, तो मुझे अब इसके ऑन प्रेस के ऊपर मेथड चेंज करना पड़ेगा रीसेट नंबर का, कि जब यूजर इस वाले काउंट वाले बटन पे क्लिक करे तो काउंट नंबर वाला मेथड कॉल हो, ठीक है। और इसको हॉट रीलोड करा लेते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये हो गया, रीसेट किया तो अब सॉरी इसको सेव नहीं किया था, सेव करा दिया, ये काउंट रीसेट पे जीरो, फिर काउंट और रीसेट पे जब मैं क्लिक करूँ तो तुम रीसेट नंबर वाला मेथड कॉल करो, रीसेट नंबर वाले मेथड पे चले गए यहाँ पे, void का मतलब कि मेथड फिलहाल कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेथड एग्जीक्यूट होने गया तो इसके अंदर सेट स्टेट ब्लॉक स्टार्ट एम्प्टी ब्लॉक एंड पैरेंथेसिस हमने दे दी, ठीक है। और फिर ये सेमीकॉलन स्टेट का क्लोज किया, सेमीकॉलन देकर इसके अंदर हमने वैल्यू जीरो कर दी। ये इसका एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड कोड है जो आपकी वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर देगा। खलास, खत्म हुआ कहानी। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद मैं अपना आखिर में नाम देना चाह रहा हूँ भाईजान, तो मैं आप इस कोड के अंदर आ गया। अब नाम इसीलिए क्योंकि ये रो बनाई थी, ये कॉलम बना, एक कॉलम बना पूरा, ये पूरा एक पेज समझे, सिंगल कॉलम बना, उसको हमने रो के अंदर डिवाइड किया, रो के अंदर डिवाइड किया तो ये मेरे पास रो आई। अब इस रो के बाद, ठीक है, जो मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है मुझे उसके बाद, इस रो के बाद अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो रो के बाद जहाँ पे ख़त्म हो रहा था, ये कमेंट्स खुद ही आ जाते हैं, इस रो के बाद मैं एक और चीज़ डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? मैंने डाल दिया भाईजान मेरे पास एक और विजिट चाहिए मुझे टेक्स्ट के नाम से, और कंट्रोल जेड इसको बंद किया और कॉमा लगा दिया, ठीक है, कि मुझे एक और विजिट चाहिए टेक्स्ट के नाम से। टेक्स्ट के नाम से हमें क्या चाहिए कि मैं कह देता हूँ कि भाईजान फॉर एग्जांपल इसको मैं इन्वर्टेड कोटेशंस दे देता हूँ, और हम कह देते हैं डेवलप्ड बाय, और फिर हम डॉक्टर जीशान BHAII बड्डी हमने नाम दे दिया, ठीक है, और ये मेरे पास कॉमा आ गया। अब इसी एट्रीब्यूट के अंदर मुझे वापस स्टाइल ऐड करना है, तो मैंने स्टाइल ऐड कर दिया, फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 16 हो जाए, मैं कलर ऐड कर सकता हूँ, पैरामीटर्स ऐड कर दिया, डेवलप्ड बाय जीशान बड्डी आ गया, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसमें स्पेसिंग चाहिए, तो एक और अगेन क्विक जुगाड़ हमने पहले बताया हुआ था कि हम क्या कर देंगे, साइज बॉक्स और स्पेस हमने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं 150 कर देते हैं, ओप्स 150, कंट्रोल एस, तो नाउ यू नोट करें कि नीचे यहाँ पे आ गया, ऊपर आपका काउंट बटन आ गया, काउंट करते चले गए, रीसेट पे क्लिक किया जीरो, काउंट करते चले गए, रीसेट पे क्लिक किया जीरो, गॉट इट, जबरदस्त, मज़ा आया, बेहतरीन काम हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये मेरे पास एक बेसिक आया। अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं इन तमाम के ऊपर थोड़ा सा कमेंट्स भी लिख दूंगा, ठीक है, और ये सारा कोड आपका गिटहब पे अवेलेबल होगा, तो डू लुक इन टू माई गिटहब, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, गिटहब पे जाना, ये सारा कोड मौजूद है, डू ट्राई इट आउट, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या चीज़ समझ में आई नहीं आई। ये फेसलेस मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई, सही लगा नहीं लगा, या कैमरा के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा लंबा हो गया, आई विल ट्राई टू मेक एन ईजियर वीडियो क्विकर नेक्स्ट टाइम एज वेल, ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियरली और एक्सप्लेन हो जाए। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट क्या सीखना चाह रहे हैं, कहाँ तक आपने काम किया, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट बनाया तो उसके लिंक मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालो कि सर हमने ये चीज़ बनाई, गिटहब पे रख के या कहीं पे भी रख के कोड मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। फाइनल जाने से पहले रुको 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 रुको, हाउ वी जनरेट APK, हाँ मेन चीज़ तो रह गई मेरे भाई जनरेटिंग APK, APK कैसे बनाया, तो मैंने ये कोड पूरा बना के रख दिया, ठीक है, मेरे पास कोड आ गया, हमने कह दिया ज़बरदस्त हो गई कहानी। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं हमारे फाइल के अंदर और टर्मिनल के अंदर, और न्यू टर्मिनल खोल दिया, तो यहीं पे हमने टर्मिनल खोल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे
Flutter, FLUTT, Flutter, BUILD, build, APK, press enter. ठीक है, तो अब ये आपका क्या करेगा कि ये आपका APK बना देगा. बस अगेन कमांड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सिंपली आपका APK बना के दे देगा हमें, जिसके तहत आप अपनी APK को आप कहीं पे भी रन कर सकते हो. ओके, आई गेस दिस शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो अभी यहाँ पे जा रहा है, असेंबलीज बना रहा है, फाइनल करेगा. वंस इट इज डन, तो जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट सेव किया होगा उसके फोल्डर के अंदर, वहाँ पे आपके पास एक बिल्ड करके APK आपके प्रोजेक्ट के नाम से आ जाएगी. तो वंस दिस इज डन, दैट मीन्स के बेसिकली अब आपका APK बन गई. नाउ दिस APK आप कहीं पे भी इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम विंडोज़ की ऐप भी बनाएंगे. मैं उसका कोड अलग से एक्चुअली बता दूंगा ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो. तब तक आगे होपफुली ये चीज़ समझ में आई. इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम डार्ट स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा कोडिंग को मैं और फर्दर एक्सप्लेन करूँगा डार्ट के अंदर. सो डू लीव योर कमेंट, मुझे APK सेंड करें और बताएं कि सर हमने APK बनाई, आपका ऐप बना नहीं बना सही से. मुझे लिंक में डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अपने गिटहब के ऊपर अपलोड करके ज़रूर शो करें कि हाउ डू यू वर्क. ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है. फी अमानुल्लाह.